हेलो फ्रेंड्स, कोटा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बथुआ और टमाटर की चटनी। तो ये बथुआ सर्दियों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो आइए बनाते हैं चटनी। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी बथुआ लिया है, थोड़ा सा धनिया है, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 हरी मिर्चें, 4 टमाटर है। तो सबसे पहले हम टमाटर के 2 टुकड़े कर लेंगे और हरी मिर्च के भी हम मोटे मोटे टुकड़े कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे तेल। तो तेल मैंने बड़ी चम्मच के हिसाब से 1 चम्मच डाल दिया है। और तेल के गर्म होते ही इसमें सबसे पहले टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हम ढककर पका लेंगे और ये करीब 1 मिनट में इस तरीके से गल कर तैयार हो जाएंगे। तो टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब इसी स्टेज पर हम इसमें लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे मिक्स कर देंगे इसे इस तरीके से नीचे, ताकि ये भी तेल में अच्छे से फ्राई हो जाए। ढक देंगे इसे। अब इसमें हम जो टमाटर की स्किन होती है इसको हटा देंगे, तो ये बहुत ही आसान तरीके से उतर जाएगी। सारे टमाटर के हमने इसी तरीके से हटा दिए। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ बथुआ। और साथ में डाल देंगे धनिया पत्ती। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमने 2 से 3 लाल मिर्च डाली है साबुत वाली, और टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ा सा आधा चम्मच करीब जीरा डाल देंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे निकाल कर ठंडा कर लिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका हमें एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो ये देखिए पेस्ट बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए बिल्कुल टमाटर की और बथुए की चटनी तैयार है। तो आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें।